बोलने तो दो। मित्रों नमस्कार, अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी आपको संबोधित करेंगे। बगल में माननीय प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी श्री आदेश गुप्ता जी भी संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनिंदरजीत सिंह सिरसा जी भी आपको संबोधित करेंगे। बगल में हरीश खुराना जी प्रवक्ता दिल्ली प्रदेश भाजपा हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय सुधांशु जी से कि आज इस रहस्य उद्घाटन को पूरी तरह आपके सामने प्रस्तुत करें माननीय सुधांशु। मित्रों, दिल्ली की राजनीति में नई राजनीति का दावा करने वाली पार्टी की शराब जो जो पुरानी होती चली जा रही है, उनके असली चरित्र का शबाब खुद ब खुद उभर कर सामने आता जा रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व आप लोगों ने देखा था कि एक स्टिंग ऑपरेशन प्रकाश में आया था, जिसमें इस घोटाले के एक आरोपी ने बहुत सी बातें कही थी जो अपने आप में बहुत कुछ रहस्योद्घाटन कर रही थी। आज यह महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं, सिरसा जी भी हैं, हम लोगों ने इसलिए बुलाई है कि आज से सोशल मीडिया पर कई जगहों पर एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो बहुत प्रखरता के साथ ऐसी खतरनाक और घातक बातें कह रहा है। मेरे विचार से उसको देखने और समझने के बाद किसी भी प्रकार के बचाव का स्कोप नहीं रह जाता है। इस स्टिंग ऑपरेशन में इस घोटाले के आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा किसी व्यक्ति को इतना विस्तार बता रहे हैं कि किस किस प्रकार से किस कंपनी को कितना पैसा लिया गया, एडवांस में पैसा लिया गया। और इतना ही नहीं है, इसमें सिर्फ पैसे लेने और देने का उल्लेख नहीं है, पूरी की पूरी पॉलिसी किस व्यवस्थित ढंग से बनाई गई कि चुनिंदा लोगों के हाथ में ही पैसा रहे और कैश का फ्लो भी उन्हीं के हाथ में रहे, वो चीजें देखकर निश्चित रूप से आप लोगों को भी बहुत दुखद आश्चर्य होगा। मैं दुखद आश्चर्य शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। उदाहरण के लिए, पूरे भारत में दो ही बड़ी ब्रांड है जो शराब की ब्रांड है, उनके दो ही बड़े अधिकृत जो होलसेलर्स थे दिल्ली में, उन्हीं को दिया गया। जैसे दो बड़ी ब्रांड डीआईजीओ और पेरी रिकॉर्ड हैं, और उनके दो जो प्रमुख होलसेलर्स हैं, एक का नाम है ब्रांडको और एक इंडो स्प्रिट, जिसका कि उल्लेख पहले भी आ चुका है। और इसमें वह व्यक्ति बता रहा है कि ब्रांडको ब्रांच वाले अमन ढल की तरफ से 60 करोड़ रुपए और इंडो स्प्रिट के समीर महेंद्रू की तरफ से के लिए 100 करोड़ रुपए उनके द्वारा देने की बात, एक विषय। दूसरा, इसमें वो ये कह रहा, आप सभी जानते हैं, अगर मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर, इसके बीच में जो कमीशन तय होता वो कंपनियां तय करती हैं। भिन्न भिन्न रिटेलर्स का कमीशन अलग अलग परिस्थिति के अनुसार तय होता, ताकि उसमें एक स्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, यानी एक हेल्दी बिजनेस कंपटीशन बना रहे। पर वो बता रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कमीशन सरकार ने तय किया, और वो ये भी बता रहा है कि कमीशन किसका तय किया, होलसेलर का। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैन्युफैक्चरर के लिए पैसे का इनपुट अधिक होता है, क्योंकि उसे इंडस्ट्री लगानी पड़ती है, चलानी पड़ती है, रिटेलर को दुकान रखनी पड़ती है, होलसेलर जो है वो तो एक प्रकार का इंटरमिटेंट व्यक्ति होता है, उसका कमीशन, यानी होलसेलर जो है वो पूर्णतः कमीशन के आधार पर चलता है, और सर्वाधिक कमीशन उसका, और वह भी सरकार के द्वारा तय। और इसमें वो ये बता रहा है कि कमीशन लेने का औचित्य और आधार क्या था, और किस प्रकार से वो पैसा लेकर बाकी लोगों को दिया गया। और इतना ही नहीं,
यह भी दर्शा रहा है कि शराब के इस घोटाले के आधार पर लिए गए पैसे का गोवा और पंजाब में भी चुनावों में उपयोग किया गया। और इसके अतिरिक्त यह भी उसने बताया कि 5-5 करोड़ रुपए तक की फीस मिनिमम निर्धारित की गई, और यह वो हम नहीं बोल रहे हैं, जो अवेलेबल वीडियो है आज जो दिल्ली में सर्कुलेटेड है उसमें वो कह रहा है कि 5 करोड़ इसलिए रखा गया कि छोटा मोटा प्लेयर आने ना पाए। जिनके पास 80% बिजनेस है उनको 5 करोड़ देने में कोई समस्या नहीं होगी, जबकि मूलतः यह पॉलिसीज जब अन्य राज्यों में बनाई जाती है तो इस आधार पर बनाई जाती है कि छोटे छोटे व्यापारियों को भी काम करने का मौका मिले और प्रतिस्पर्धा करने का भी मौका मिले। अब ये स्ट्रिंग देखने के बाद एक बार मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं, ये वही व्यक्ति हैं अरविंद केजरीवाल जी, भारत के इतिहास के एकमेव व्यक्ति जिन्होंने संवैधानिक पद पर कहा था कि अगर कोई तुमसे पैसा मांगे तो स्टिंग बना लेना, हम उस स्टिंग के आधार पर ही कार्रवाई कर देंगे। कोई अगर स्टिंग बनाकर भ्रष्टाचार का खुलासा करेगा तो हमारी सरकार तत्काल कार्रवाई करेगी। कहां गए वो वचन 7 साल पहले के बोले गए वो बात। और ये बात स्टिंग में आपको देखने के बाद और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। अब हम यह कहना चाहते हैं कि स्टिंग होने की जो कुछ चीजें पब्लिक डोमेन में, यह भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, यह पब्लिक डोमेन में, हम तो सवाल पूछ रहे हैं कि जब इस प्रकार की नीतिगत बातें उभर कर सामने आई, नंबर 2 पॉलिसी आपने विड्रॉ की, नंबर 3 उसके बावजूद आपने उसका समर्थन किया, नंबर 4 पहली स्टिंग पे कोई कार्रवाई नहीं की, नंबर 5 आपने उसके बाद स्टिंग पर कोई कार्रवाई नहीं की है, और आपके आंदोलन के पितृपुरुष अन्ना जी भी इस पर आपके बारे में लिख चुके हैं, पर मेरा मानना है कितना चरित्र बदलता चला जाता है। मैं ये कहना चाहूं कि सत्ता की का जो नशा है जिसमें आज आम आदमी पार्टी सवार है, उसने उसके चरित्र को जितना बदला है भारत की राजनीति में शायद 7-8 वर्ष के कालखंड में किसी पार्टी का इतना चरित्र बदलते हुए नहीं देखा। अब मैं अनुरोध करूंगा कि आम आदमी पार्टी के ने अपने आदमियों के लिए क्या किया है, आम आदमी पार्टी ने अपने आदमियों के लिए क्या किया है, उस सबका एक दृश्य श्रव्य चरित्र चित्रण आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। पत्थर पड़ने शुरू कर रहे हैं, हमें आदमी को पता ही होता है, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं है, मतलब गवर्नमेंट
इंफॉर्मेशन में ऐसी ऐसा मतलब तो कभी सुना ही नहीं था कि ऐसा हुआ है। पंजाबी अमरनाथ और एक रामनाथ दो आदमी को 10,000 करोड़ रुपए का था, दो आदमी को दिया। कैसे देंगे आपने तो अमरनाथ की पॉलिसी है, एक शहर में 6 करोड़ के कॉम्पिटिशन क्या करता है? अगर एक एक दुकानदार है या एक रेस्टोरेंट में खरीदती है 6 दुकानें हैं तो उसको तो फायदा मिलेगा। क्यों नहीं दो आदमियों को, मतलब कोई रीजन तो बताओ कि ये दो आदमी क्यों करेंगे, आप क्यों नहीं करेंगे आप शहर में दो आदमी को, ताकि कॉम्पिटिशन कस्टमर के लिए तो कॉम्पिटिशन ज्यादा अच्छी बात है। ऐसी कौन सी मार्केट होगी दिल्ली के अंदर
ऐसा कौन सा काम पड़ गया दिल्ली में कि एकदम से जहां मैंने बिकते थे 4 लाख 5 लाख मेरे काम के 15 लाख, ये सारे के सारे अगर ये चीज को अंदर जाए तो नुकसान, ये जो गुजरात का छोड़ जाते हैं कि गुजरात का दम चलिए गुजरात में, तो गुजरात में कहां से जाएंगे? तो आप सभी ने देखा इसमें एडवांस कैश एडजस्टमेंट लाभार्थी पॉलिसी बना रहे हैं, यानी जिसको सर्वाधिक लाभ मिला है वो साफ साफ कह रहे हैं कि वो पॉलिसी बना रहे हैं, और 10,000 करोड़ रुपए तक के फ्रॉड की बात कही जा रही है। सिर्फ अब एकदम साफ हो गया है कि ये शराब दिल्ली की आम आदमी पार्टी के घोटाले की शराब अब सिर्फ नशीली नहीं जहरीली भी हो गई है, और वह जहर आपको बहुत साफ सामने दिखाई पड़ रहा है। ऐसे लोगों के भी नाम है जो आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी रह चुके हैं। अब मैं इस विषय पर अनुरोध करूंगा हमारे दिल्ली प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष आदेश जी। आज की जो स्टिंग देखने के बाद जिस तरह से स्टिंग में जो बातें कही गई हैं, और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय सुधांशु जी ने जो बातें कही हैं, उससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि केजरीवाल सरकार की एक ही है नीति, हर रस्म निभाएंगे भ्रष्टाचार की रीति। हर वो काम जो काम वो करते हैं उस हर काम में भ्रष्टाचार करप्शन अपने लोगों का फायदा। कैसे उन्होंने दिल्ली के राजस्व को हानि पहुंचाकर दिल्ली के राजस्व की लूट और चोरी करके उन्होंने जो राजस्व 165% आता था, दिल्ली में शराब की बिक्री 15,000 करोड़ रुपए के लगभग होती है, 165% राजस्व दिल्ली के खजाने में आता था उसको घटाकर 1% कर दिया, क्योंकि वो सारा का सारा पैसा जो दिल्ली के खजाने में आना था वो शराब के गिने चुने ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए और उनकी मार्फत अंडर द टेबल कमीशन दलाली लेने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो रहा है, आज पब्लिक डोमेन में दूसरा स्टिंग घूम रहा है। पहले स्टिंग में भी बहुत सारी बातें स्पष्ट थी कि कैसे 2% से 12% किया गया, उसमें से 6% उन्हें खुद लेना था, कैसे उन्होंने ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को भी ठेके दे दिए जो अपनी बनाई पॉलिसी थी, कैसे उन्होंने कुछ चंद लोगों ने मिलकर जिनको फायदा पहुंचाना था बड़े प्लेयर को, उनसे मिलकर सरकार ने पॉलिसी बनाई उनको फायदा दिलाने के लिए और खुद फायदा लेने के लिए। और दिल्ली ही नहीं, आम आदमी पार्टी का ये मॉडल बन गया है कि पंजाब में उनकी सरकार आई तो पंजाब में भी वही मॉडल बना दिया। पंजाब में भी उन्होंने दो
बड़े प्लेयर को पूरे शराब का ठेका दे दिया, L1 दे दिया और उसमें हजारों करोड़ रुपए उन्होंने बनाए। मुझे लगता है केजरीवाल सरकार ने ठानी है भ्रष्टाचार की हर रस्म निभानी है। जितने भी भ्रष्टाचारी करने के रास्ते हैं, दलाली है, वो सारे रस्म अरविंद केजरीवाल सरकार निभा रहे हैं और अब वो कोई भी नियम कानून नहीं मानते। नहीं मानेंगे नियम कानून, ना ही मानेंगे CVC, अब तो हम चलेंगे DCC यानी डायरेक्ट कैश कलेक्शन। अरविंद केजरीवाल की काम करने की पद्धति नियम में एक और बड़ा फार्मूला है DCC, डायरेक्ट कैश कलेक्शन। उन्होंने शराब के बड़े बड़े ठेकेदारों से लिया, होलसेलर से लिया और उनको बाद में व्हाइट में फायदा कराया। तो जो स्टिंग आया है, ये स्टिंग ये पूरा दर्शा रहा है कि स्टिंग मास्टर जो ये कहते थे कि कोई भी स्टिंग आएगा भ्रष्टाचार का, हमारे पास स्टिंग ले आना, हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी, ये स्टिंग आ गया है और कोई ऐसे व्यक्ति का स्टिंग नहीं है, जो एक्यूज नंबर 9 है उनका खुद का कहना है। सारी आपकी पोल पट्टी खोली है तो आप ये बताइए, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो आपके उप मुख्यमंत्री हैं, उन पर आप कार्रवाई कब करेंगे, उनको बर्खास्त कब करेंगे? धन्यवाद। मेरा निवेदन होगा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनिंदर जी सिंह सिरसा जी से आपको संबोधित करेंगे। आपने अभी स्ट्रिंग में सब कुछ देखा, किस तरह से 100 करोड़ रुपया, जब हम कहते थे तो कहते थे सबूत लाओ, अब तो सबूत भी सामने है। 100 करोड़ रुपया इंडोस्पिरिट ने, 60 करोड़ रुपया अमंडल ब्रिंडको ने, 50 करोड़ रुपया जसदीप कौर चड्डा महादेव वाइंस ने और 30 करोड़ रुपया दीवान स्पिरिट्स ने। आप देखिए कि एक एक रुपया कमाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। और यहां पे स्टिंग में बता रहे 10 करोड़ रुपया लगाकर लोगों ने 150 करोड़ रुपया कमाने का काम किया। और ये पॉलिसी जो थी, ये सारी टेलर मेड पॉलिसी केवल चंद लोगों को, जो अरविंद केजरीवाल जी के पूंजीपति दोस्त थे, उनके लिए ये पॉलिसी होटल ओबराइस में और होटल अमन में बैठ लोधी में बैठकर इस पॉलिसी को बनाया गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो आदमी कह रहा है जिसने ये सब कुछ देखा है। और आप देखिए 12% कमीशन की गई 2% से, और 12% कमीशन में से ज्वाइनिंग फीस, मतलब 6% जो देता था उसको 6% ज्वाइनिंग कहते थे। और ये दिनेश अरोड़ा जो कलेक्शन एजेंट था, वो 6% सबसे ज्वाइनिंग फीस ले रहा था और पैसे एडवांस ले लिए गए इलेक्शन के लिए। ना केवल यहां पर करप्शन हुई बल्कि सफेद पैसा किया गया, काले धंधे का पैसा सफेद भी किया गया। 100 करोड़ रुपया एडवांस दे दिया गया और वो फिर सारा पैसा कमीशन के रूप में चेक से 12% कमीशन के रूप में व्हाइट मिलता रहा। सो काले पैसे को सफेद करने का धंधा भी अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अपने पूंजीपति दोस्तों के लिए किया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, देश भर की पॉलिसी के अंदर, एक्साइज पॉलिसी के अंदर ये मेंशन है कि जितना भी कोटा होगा, स्टेट का एक कोटा फिक्स होता है, उसको कहते हैं लिकर कोटा, कितना है, क्योंकि जितनी एक्साइज कोई दे रहा उतना लिकर कोटा होता है। यहां पे लिकर कोटे की इस पॉलिसी में एग्जेम्पशन दे दी गई ताकि 165% की जगह 1% ड्यूटी कर दी गई। और जो शराब की बोतल दिल्ली के ठेके पे 550 की होनी थी, वो 250-250 रुपए की बिकी। और उससे क्या हुआ, देश भर की जो ब्लैक करने वाले लोग थे, धंधा करते थे ब्लैक का, उनको सबसे सस्ती दारू दिल्ली में मिलती थी। तो दिल्ली शराब की ब्लैक करने वालों का अड्डा बनाने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। और आप सुनिए, 4 लाख बॉक्स शराब बिकती थी दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल कहते थे, मनीष सिसोदिया कहते थे, ठेके नहीं खुल पाए इसलिए राजस्व में कमी आई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठेके ना खुलने से शराब में कमी नहीं आई। अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त और राजस्व उनकी जेब में एक्साइज चली गई, इसलिए दिल्ली को 3500 करोड़ को नुकसान हुआ,
क्योंकि पहले 4 लाख डब्बा शराब का बिकता था। इसके मुताबिक अमित अरोड़ा के मुताबिक 4 लाख शराब का डब्बा बिकता था, अब उसकी जगह 15 लाख शराब का डब्बा बिका है। 15 लाख 3 गुना ज्यादा शराब बिकी, फिर भी सरकार को 3500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और पूंजीपतियों को 3500 करोड़ से ज्यादा का लाभ होना है। अब आप देखिए, उसने इसमें यह भी बताया, अब देखिए स्टिंग में मुझे लगता है कि इसके बाद अरविंद केजरीवाल को मॉरली राइट नहीं रह जाएगा कुर्सी पर रहने का। क्या बोला? इतना ड्रग्स के धंधे में लाभ नहीं है, ड्रग्स इतनी कमाई ड्रग्स में नहीं है जितनी कमाई दिल्ली की एक्साइज में अरविंद केजरीवाल के मित्रों को दोस्तों को हुई, उतनी कमाई तो ड्रग्स में भी नहीं है। और आप यह भी सुनकर हैरान हो जाएंगे, दिल्ली का तो 15,000 करोड़ का काम दिया ही, पंजाब का इसमें आपने अगर ध्यान दिया उस टिंग में उसने बताया कि केवल 2 लोगों के पास, हम बहुत देर से बात चला चलाकर कह रहे थे कि पंजाब का 10,000 करोड़ रुपए का काम 2 परिवारों के पास है। किसके पास है? अनंत वाइन्स के विजय मेहरा और तुषार मेहरा और ब्रिंडको का अमन डल और बृंदर डल, ये अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त हैं। इन 2 लोगों के पास सारे का सारा शराब का धंधा है। और आज इस टिंग के बाद दूध का दूध पानी का पानी, इनफैक्ट अगर मैं कहूं दूध का दूध और शराब की शराब सामने आ गई। इन लोगों की सारी चोरी अब आपके सामने है। अब ये स्टिंग करने के लिए, जैसे सुधांशु जी ने अभी बताया था, अब स्टिंग मास्टर का स्टिंग हुआ है। अब आप देखिएगा अब ये क्या रोना नया रोएंगे, क्योंकि अब पकड़े गए हैं चोरी, लेकिन उसके मॉरली इनके पास अधिकार नहीं है। ना तो मनीष सिसोदिया के पास कुर्सी पर रहने का अधिकार है, ना तो अरविंद केजरीवाल के पास, क्योंकि उन्होंने संविधान की कसम खाई थी। ये बात आप याद रखिएगा, मंत्री बनने वक्त उन्होंने ये संविधान की कसम खाई थी कि जो भी चीज मेरे संज्ञान में आएगी तब तक, जब तक ऐसा बताना किसी को जरूरी नहीं होगा, मैं शेयर नहीं करूंगा। जबकि एक्साइज पॉलिसी में उन्होंने संविधान की कसम खाने के बावजूद ये सारी बातें इन 4 लोगों के साथ तय की, जगदीप कौर चड्डा के साथ, अमन ढल के साथ और ये महादेव वाइन्स के और ये ब्रिंडको के साथ, इनके साथ शेयर करके इन्होंने संविधान की इस कसम को तोड़ा है। इसलिए मॉरली इनको इस कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है। धन्यवाद। माननीय सुधांशु जी से बस हम अंत में ये कहना चाहेंगे कि या तो अरविंद केजरीवाल जी कार्रवाई करें या स्टिंग को लेकर अपने पूर्ववर्ती बयान के लिए माफी मांग लें। पर सत्ता के नशे में डूबे हुए केजरीवाल जी से हमें आशा कम है, परंतु भाजपा स्पष्ट रूप से मांग करती है या तो इसके लिए माफी मांगे या अपने बयान के लिए माफी मांगे। और यह वाक्य कहना चाहूंगा, हम लोगों ने एक बहुत पुराना एक शेर सुना था, आज लगता है कि ये राजनीति में आकर बिल्कुल उनके ऊपर चरितार्थ होता है। शराब के लिए था कि हजारों घर है डूबे बोतलों के बंद पानी में, जो इसमें डूबे वो न उभरे जिंदगानी में। और ये तो आने के साथ ही डूब गए और डूबने के बाद क्या क्या दिखाई पड़ रहा है वो इस स्टिंग ने आपको दिखा दिया। यतीन्द्र शर्मा, TV 18। मुझे आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली की जनता आश्रय सीखने के छाते के बाद 1.5 महीना हो गया तक कुर्सी मिला, तो ये कुर्सी जो ये भी आप सीबीआई की जरूरत है कि आप है तो वैसे बात सीखिएगा। एक बार वो सार्वजनिक माफी मांग लें, सार्वजनिक संवैधानिक पद पे कहा था ना कि स्टिंग लाओ कार्रवाई करेंगे, उनसे कहिए माफी मांग लें, जो कार्रवाई करनी होगी जांच एजेंसियां करेंगी, पर वो तो माफी मांग लें। जवाब टेक्निकल नहीं है, सवाल पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल जवाब दीजिए। भारत 24। देखिए, यह विषय सीबीआई के संज्ञान में है। जांच एजेंसियां हर चीज के ऊपर वस्तुनिष्ठ आधार पर यानी ऑब्जेक्टिव आधार के ऊपर कार्रवाई कर रही है, पर सवाल तो उन पे है। वो आकर कहें कि यह सही नहीं है, वो आकर इतना ही साहस करें, जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है उन्हीं को सारा का सारा बिजनेस मिला है। और इतना ही नहीं, इतना गंभीर आरोप कि लाभार्थियों ने बैठकर नीति बनाई, द बेनिफिशियरीज हैव सेट डाउन
विद द गवर्नमेंट एंड फॉर्मुलेटेड द पॉलिसी। ये है नई राजनीति का नया चरण। प्रदीप टोटल टीवी। ये स्टिंग पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है मान्यवर, हमने सिर्फ आपके संज्ञान में प्रेषित किया है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने जारी नहीं किया है। ये सर्कुलेट हो रहा है दिल्ली में कल से, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तो सिर्फ उनको आईना दिखाया है कि स्टिंग मास्टर कृपया इस बात का जवाब दे कि स्टिंग के ऊपर अब उनकी नीति क्या है। सुदेशना घोषाल। दूसरे विषय पर है इसने। मैं मोहित भट्ट, टाइम सर। गांधी जी आपकी पीछे हुई इस बार 1 बजे आप मनीष सोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाएगा, बड़ा हम जो है एक्सपोजे आएंगे लेके आएंगे। आपको लगता है कि मनीष सोदिया आपके सीट पर जवाब देंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी यही कह रही है उनका एक स्टैंडर्ड जवाब तो रहा है कि गुजरात में हमारा जो ग्राफ बढ़ा है, दिल्ली में बीजेपी जो पीछे रही है, उसको लेके ये सारे एलिगेशन लगाए गए हैं, लेकिन सारी पॉलिसी पे जो भी आपने पॉइंटेड सवाल पूछे उनके जवाब अब तक नहीं आए। देखिए भारतीय जनता पार्टी आज तक पॉइंटेड सवाल पूछती रही है, बिंदुवार प्रश्न पूछती रही, पर जो आपने कहा उनका एक स्टैंडर्ड जवाब रहा है, वो स्टैंडर्ड जवाब रहा है ये है कि मुझे उस सीट का जवाब नहीं देना है। जैसे मैं मतलब ऑन द लाइटर नोट कहूं, वो एक पुरानी फिल्म थी ना अमिताभ बच्चन की सत्ते पे सत्ता, जिसमें ज्यादा शराब पी के जब बैठ जाता है तो कोई भी सवाल पूछा जाए तो कहता नहीं नहीं मैं नहीं पीना चाहता था, चार दोस्तों ने बैठा लिया, उसका मेरा छोटा भाई है वो बहुत स्ट्रांग है, फैट मारता दीवार में होल हो जाता है, और उसके बाद फिर वही बात रिपीट करता है, थोड़ी देर बाद फिर उससे सवाल पूछा जाता है तो वही बात रिपीट करता है। तो उनका स्टैंडर्ड जवाब यह है कि शराब की पॉलिसी पर जवाब नहीं देना है, और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज भी जब आप बात करेंगे तो संभावना इस बात की प्रबल है कि वो शराब के बिंदुवार मुद्दों पर, शराब घोटाले पर जवाब न देकर फिर कहीं अन्यत्र यत्र तत्र सर्वत्र घुमाने का प्रयास करें। हर्षा रिपब्लिक टीवी। देखिए स्टिंग का सवाल उनसे इसलिए है कि वो खुद ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने स्टिंग की नीति को वैधानिकता देने की बात कही। हम बार बार कह रहे हैं ना, एक बार वो सार्वजनिक रूप से बयान दें, कहें जो मैंने बोला था, जैसे मैं एक बार अपना स्टैंड बदल चुका हूं, अब ना मैं ये कहता हूं कि मुझे चाहिए जन लोकपाल, अब न मैं ये कहता हूं मुझे चाहिए रिजेक्ट टू राइट टू रिजेक्ट राइट टू रिकॉल, उसी प्रकार से कह दें, अब मुझे अन्ना को बरगलाया गया था, कांग्रेस से समर्थन लिया था, सब कुछ जिस प्रकार से बदला है तो उसी प्रकार से यह भी स्वीकार कर लें कि मैंने अपनी बात बदल दी थी। और मैं अंग्रेजी में एक वाक्य कहना चाहूंगा, देयर इज अ प्रिवेलिंग सेंटिमेंट that politics has become a profession, but we believe that politics is not a profession, it is a mission, but the character of Aam Aadmi Party shows that for them politics is commission. Himanshu, Republic Bharat. आपने बोला कि आप संज्ञान में लेकर आए, लेकिन ईडी के संज्ञान में अभी तक आया नहीं है कि कोई एक्शन नहीं होगा, और इसके चलते आम आदमी पार्टी कहती है कि चुपी कुछ है ही नहीं, ये तो सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, यदि कुछ होता तो अभी तक तो गिरफ्तारी हो गई होती, तो गिरफ्तारी कब तक होगी, ईडी कब संज्ञान में लेगी सिस्टम ऑपरेशन को? देखिए जब एक संस्था उस पर कार्रवाई कर रही है, एक जांच एजेंसी, तो उस जांच एजेंसी की प्रक्रिया के तहत दूसरी जांच एजेंसी भी समय पर कार्रवाई करेगी। मगर मैं तो पुनः कह रहा हूं, Here the question is not just legal,
The question is moral and political. And those who try to project themselves as a flag bearer of the highest moral values, and they are trying to dodge the morality on the disguise of or on the pretext of technicality. क्योंकि उस मसले में उन्होंने वहां से हमारे बोलने पे स्टे ले रखा है, इसलिए इस मसले पे तो हम कोर्ट में ही अपना जवाब देंगे और कोर्ट में सारे हम अपने प्रूफ देंगे कि कौन कौन था इन्वॉल्व था और कैसे कैसे इन्वॉल्व था और कब कब दिल्ली में कौन कौन आता था और किस किस से मिलता था और कौन कौन दिल्ली से जाकर हैदराबाद में किस किस से मिलता था। ये सारी बातें हम कोर्ट में बता सकते हैं क्योंकि तो स्टे है इसके ऊपर। अंतिम प्रश्न है मिलन इंडिया टुडे a similar type of question which has been asked by previous journalists also. So I just want to say that as far as the substantivity of this investigation, since we have taken it from the public domain, so agencies which are investigating on various aspects, they will also take into cognizance and take up whatever the fact they consider fit for pursuing the further investigation. But again, I am saying, as far as Aam Aadmi Party is concerned, such a serious moral turpitude issues have been raised. At least they can come and say that those who are the biggest beneficiary of this scam, we have never interacted with them. And they are not having any role in the making of the policy. But still, if they are not saying, then we can say categorically, ki dal mein kahin na kahin to kuch kala hai, isiliye dal ko lagatar ghumate ja rahe hain. Thank you.